By the name of Allah, who is the most merciful and who is the judge of the day of judgment. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next lecture regarding narration. As you know, we already have discussed about the basic rules of narration. And today we are going to start how to apply these rules according to the sentences. Okay, the next point which you have to keep in your mind is about the universal truth. अब universal truth से related है कि जिस sentence में universal truth आ जाए उसको तो हम change नहीं कर सकते ना. Like हमें हमारे rules में है कि हमारा reporting verb जो है अगर वो past tense में है तो हम tense को reported speech में भी past tense में change कर देंगे. लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तब हम ऐसा नहीं करेंगे. क्या करेंगे हम, एग्जांपल देखें. ही सेड टू मी अल्लाह इज़ वन. सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड. इन्वर्टेड को मास को रिमूव करके हम डैट लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है. ही टोल्ड मी डैट अल्लाह इज़ वन ही हम लिखेंगे क्योंकि अल्लाह वॉज वन नहीं लिख सकते ना. ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. या फिर अगर इधर आ जाए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो ना तो बाद के ज़माने में कभी ये चेंज होगा ना ही इससे पहले. एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो इसलिए हम जो है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में बाकी चेंज करेंगे, जस्ट टेंस चेंज नहीं करेंगे. नेक्स्ट चेंज ऑफ प्रोनाउन है. इसमें आपने ऑब्जर्व करना है लाइक ही सेड टू मी. आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पर्सन जो होगा ना, जो भी आ रहा है वो थर्ड पर्सन आ गया, सेकंड आ गया, कोई भी आ गया ना. लाइक यहाँ पे हमारे पास शी है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है. स्टार्ट में जो भी आ जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और मी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है. आपने रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट वन को सब्जेक्ट ही कंसीडर करना है, सेकंड वन को ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि शी थर्ड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है. नो, हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट कंसीडर करना है, सेकंड वाले को ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है. रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कौन सा पर्सन आ रहा है. रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी उसमें आई फर्स्ट पर्सन आ रहा है और यूर सेकेंड पर्सन आ रहा है. अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे. लाइक सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड. ही टोल्ड मी बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर दैट. ही टोल्ड मी दैट. आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास शी है और अब हम हमने यहाँ पे देखना है फर्स्ट पर्सन का हमारे पास कौन सा केस है. वही स्केच जो आपको मैंने दिया था याद करने के लिए, आई का हमारे पास सब्जेक्टिव केस है तो शी का भी हम सब्जेक्टिव केस लगा देंगे जो कि ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है. She or am will be changed into was. जी तो second next हमारे पास second person आ गए. Your will be changed according to the object. Object हमारे पास me है तो हम me का भी यहाँ पर possessive case लगाएंगे क्योंकि second person your जो है हमारे पास possessive case है. She was my friend in that city. This will be changed into that. This हमारे पास certain word है जो जिसको हमने डैट में चेंज करना है. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगी. ही टोल्ड मी दैट शी वॉज माई फ्रेंड इन दैट सिटी. नेक्स्ट हमारे पास है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो फोर स्टेप्स पे चेंजिंग होगी बट देयर विल बी नो चेंज इन टेंस वाइल मेकिंग एंड कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी. एग्जांपल देखें पहले प्रेजेंट टेंस की. ही सेज़ टू मी, प्रेजेंट टेंस आ गया हमारे पास. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. तो अब हमने सेज़ टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में. शी टेल्स मी, यहाँ पे मी आना था, आई फॉरगेट टू राइट हियर. तो आपने कंसीडर कर लेना है. शी टेल्स मी बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर दैट. आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आई सब्जेक्टिव केस है तो शी भी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा हमारे पास. एम विल बी चेंज इनटू इज.
शी के साथ इज लगाते हैं ना हम, शी इज़ वेरी हैप्पी, टुडे विल बी चेंज इन टू दैट डे, सर्टन वर्ड हमारे पास टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़िलहाल जो फोकस करना है वो करना है रिपोर्टिंग स्पीच सेज टू, हमारी आ गई है प्रेजेंट टेंस में। अब हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच थी ना, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये किस में, प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच में भी हमने एम को वॉज में चेंज नहीं किया, क्योंकि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बाकी चेंजिंग हमने कर दी है। इसी तरह फ्यूचर टेंस अगर आ जाए, आई विल से शी हैज़ रिटन अ पोएम, आई विल से आ गया तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, से विल बी चेंज इन टू टेल, आई विल टेल बाई रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर दैट, आई विल टेल दैट। तो यहाँ पे हमारे पास शी क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, शी हैज़ रिटन अ पोएम। तो यहाँ हमारी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में थी और हमने टेंस चेंज नहीं किया। अब इन दोनों जो है ना रूल्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं आपकी, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी बुक्स में हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज द सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में 3 लेवल्स पे तो हम सारे सेंटेंसेस में सेम चेंजिंग करते हैं, दैट हाउ टू चेंज द प्रोनाउन एंड हाउ टू चेंज द टेंस एंड हाउ टू चेंज द सर्टन वर्ड्स। हाँ, दो जो है ना हमारे पास फर्स्ट टू टाइप्स, लाइक इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लिखना है और रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, ये दो चेंजिंग्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होती है। लाइक सिंपल सेंटेंसेस में हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डैट लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेट विल बी चेंज इन टू टोल्ड। एग्जाम्पल देखें, शी सेड यू आर अ नाइस गर्ल, सेड विल बी चेंज इन टू टोल्ड, शी टोल्ड, बाई रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट हियर डैट, यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हमारे पास नहीं है तो हम यू ही कंसिडर कर लेंगे, डैट यू आर विल बी चेंज इन टू वर, आपने रूल्स तो याद किए होंगे ना, आर को हम किस में चेंज करते हैं, वर में, प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। दैट यू वर अ नाइस गर्ल, शी टोल्ड दैट यू वर अ नाइस गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सनी सेड टू मी, सनी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू हैव नॉट डन योर वर्क, यू भी हमारे पास सेकेंड पर्सन है, यूर भी हमारे पास सेकेंड पर्सन है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ओके, सेट टू विल बी चेंज इन टू टोल्ड, सनी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम डैट लगाएंगे, यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हमारे पास मी है तो हम मी का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई, हैव को हम चेंज कर देंगे हैड में, प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर आपने दूसरा अगर जो स्केच याद किया है, हैव विल बी चेंज इन टू हैड, आई हैड नॉट डन माई वर्क, अब माई यहाँ पे कैसे आएगा, यूअर सेकेंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, मी का पोजेसिव केस हमारे पास आ जाएगा माई, Sunny told me that I had not done my work. Next हमारे पास आ जाते हैं interrogative sentences. Interrogative sentences की 2 types हैं हमारे पास, सबसे पहले हम वो sentences देखेंगे जो helping verb से start होते हैं, दोनों में हमने क्या करना है, reporting verb said will be changed into asked. And by removing the inverted commas, we will write if or whether. If or whether वहाँ पर लिखेंगे उन sentences में जो helping verb से start होंगे. Example देखें, first he said to me, are you hungry? आर हमारे पास helping verb है, हमारा ये questions जो है कहाँ से start हो रहा है, helping verb से start हो रहा है. Said to will be changed into asked. By removing the inverted commas, we will write here if. ये जो बोल्ड वर्ड्स है ना, आपने इनको देखना है, ये हमारे चेंज हो रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में. जी, ही एस्क्ड मी इफ लगा लें, या आप इधर वेदर भी लिख सकते हैं. अब जो है क्वेश्चन जो है ना, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट में चेंज कर देना होता है. अब जो है जैसे हम कोई भी एक क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा देंगे और सब्जेक्ट पहले लगा देंगे.
जैसे हमारे पास यू है तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा, आर को हम चेंज करेंगे वॉज में, आई वॉज हंग्री, और क्वेश्चन मार्क जो है वो हम हटा देंगे क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंस हो जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट आ गया है, तो देन फिर क्या है वो स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हंग्री, सेट टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ़ लगा दिया है, यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया तो आई आ गया, और आर जो है उसको हमने वॉज में चेंज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी सेड विल दे माइंड दिस जोक, अब विल हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल बी चेंज इन टू वुड। ओके, शी आस्क्ड इन्वर्टेड, अब सेट को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड को मास को रिमूव करके हम लगाएंगे, यहाँ पे वेदर लगा रहे हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, वेदर विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, यह बाद में आएगा क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट में अब चेंज करना है ना। दे हमारे पास थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, दे विल को हमने वुड में चेंज कर दिया, दे वुड माइंड दैट जोक, दिस हमारे पास सर्टन वर्ड है जिसको हमने डैट में चेंज कर दिया, शी आस्क्ड वेदर दे वुड माइंड डैट जोक। तो इस तरीके से जो हमारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उनको हम इस वे में चेंज करेंगे। एक तो हमने उसमें ख्याल रखना है सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड को मास्क को रिमूव करके इफ़ या वेदर लगाएंगे, और जो है क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके आएंगे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, स्टेटमेंट बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें सिंपली वही सेट टू को आस्क में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड को मास्क को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, लेकिन कुछ ऐड नहीं करेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंसेस में हमने डैट लगाया था, वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे उसमें इफ़ या वेदर लगाया था, यहाँ पे हम बस वो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज़ लिख देंगे। एग्जांपल देखें आप, आम ना सेट टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक हो गया, आम ना आस्क्ड मी यहाँ पे अगेन मिसिंग है, बच्चों आपने कंसीडर, स्टूडेंट्स आपने कंसीडर कर लेना है मी यहाँ पे, ठीक है, आम ना आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव कर देंगे, व्हाट, ठीक हो गया, अब हमने इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन है, यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो मी का हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई, आर विल बी चेंज इन टू वॉज, आई वॉज डूइंग, आम ना आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग, तो क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिया क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल ऑब्जर्व करें, अली सेड टू हिम व्हाई वॉज यू क्राइंग, अली आस्क्ड हिम, सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड को मास्क को रिमूव करके हमने वाई को एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे क्योंकि हम स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं, तो यू सेकेंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, हिम है, तो अब हिम जो है इसका सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या आ जाएगा, ही, और आपने जो है वो स्केच पे भी देखा होगा, सेंटेंस में भी है, डेट वॉज वर विल बी चेंज इन टू हैड बीन, सो Why he had been crying, यहाँ पे had been कैसे आ गया, वर को हमने had been में चेंज किया, according to the rules वर will be changed into had been, Ali asked him why he had been crying, okay now you can observe the next example, you said to him where will you attend the meeting, said to will be changed into asked, you asked him where, अब यहाँ पे यू अगेन सेकंड पर्सन है, यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हमारे पास हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही है, और विल को हम चेंज कर देंगे वुड में, ही वुड अटेंड द मीटिंग, यू आस्क्ड हिम वेयर ही वुड अटेंड द मीटिंग। तो जो सेंटेंसेस WH फैमिली से जो है स्टार्ट हो रहे हैं, दे विल बी चेंज्ड इन सच अ वे एज आई हैव टोल्ड यू,
So now you have to do the practice. And for the practice, you have to do the practice from the part 2, practice exercise number 1 and exercise number 2. That will be your homework. आपके जो interrogative sentences आपकी books में दिए गए हैं, उसमें part 2 पे आप देखेंगे, practice दी गई है आपके interrogative sentences की. Helping verb से जो start हो रहे हैं, उनकी exercise number 1 है और exercise number 2 जो है, that is related to those sentences which are started from the WH. Family. So you have to do the practice. So, और ये जब तक आप practice नहीं करोगे तब तक आप learn नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप practice कर लोगे उतने अच्छे से आपकी understanding develop होगी, otherwise you will never understand this. ना firstly you have to keep all of the rules in your mind. Next, whenever you are going to change direct speech into indirect speech, then you have to observe what kind of sentence is here. Kaun si kind hai? Either it is a simple sentence or interrogative sentence. If it is simple, then you have to apply the rules which I have told you about the simple sentences. And if it is interrogative sentence, then you have to apply the rules which I have told you about the interrogative sentences. So you have to change direct speech into indirect speech in such a way. Next, हमारे जो हैं 3 kind sentences की रह गई हैं, इंशाल्लाह we will do it in the next lecture. But आपने इसकी जो है practice अच्छे से कर लेनी है. जो आपसे sentences नहीं होंगे you can send to me, तो मैं आपको वो समझा भी दूँगी और बता भी दूँगी कि वो कैसे change होंगे. Practice students आप सब ने लाजमी करनी है, otherwise you will never be able to understand all these things, either the rules are how to apply all these rules according to the sentences. So be careful all of you and do the practice. And if you feel any problem anywhere, then you can discuss with me. I will try to help you. Okay girls, thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.